Now next C program based on string remove operation, how to removing contents of a string or how to removing contents of a string which is available in another string. So, means agar aapke paas two strings available like a string A or string B. String B ke andar jitne bhi characters hain wo sare ke sare characters aapko remove karana hai from A. Means is case mein stop operation ka similar to A minus B operations. मींस ए और बी के अंदर जितने भी कॉमन कैरेक्टर्स अवेलेबल है, मींस जो कैरेक्टर्स ए के अंदर भी है प्लस बी के अंदर भी, वो सारे के सारे कैरेक्टर रिमूव किस प्लेस हो जाए फ्रॉम ओरिजिनल स्ट्रिंग ए. क्लियर. फॉर एग्जांपल वी आर टेकिंग सम स्ट्रिंग एज राजकुमार. दिस इज द फर्स्ट स्ट्रिंग. फर्स्ट स्ट्रिंग के केस में जस्ट स्ट्रिंग क्या है, इस केस में राजकुमार. राजकुमार के केस में जस्ट मैंने सेकंड स्ट्रिंग पास किया है, दिस इज द स्ट्रिंग ए. Another string is B. B के केस में क्या, second string में just मैंने इस केस में पास किया है like a character A, A M D. Clear? सबसे पहले इस केस में perform क्या करा, वो string B के first character को select करें from string B. मीन्स remove किसके लिए कराना है, string A के लिए. string A से कौन से characters remove कराना, जो characters B के अंदर available है, अगर same character A में found होता है तो इस character को A से remove कराना. तो सबसे पहले आप perform क्या कराओ, string B को starting से लेकर end तक traverse करेंगे. first time string B का first character select किया, first character क्या A. check करो original string में कहीं भी A found हो रहा है क्या. A just two places पर available है, 1 2. तो A के सारे occurrence remove हो जाएंगे. Clear in first case. Next time, similarly second time is first character operate करने के बाद next time select क्या करोगे string B से, next character of string B which is M. तो next time string A से remove क्या कराएंगे, all occurrence of character M. तो M starting से लेकर end तक check करोगे, M का only एक ही occurrence found रहा, इसको just remove कर देंगे. Clear. Next time string B से select क्या हुआ, next character is D. D के केस में D चेक करो, D A के अंदर कहीं फाउंड हो रहा है क्या, नहीं. देन D के लिए आपको कोई भी एक्शंस परफॉर्म नहीं कराना है. एंड फाइनली स्ट्रिंग रिमूव होने के बाद आपके पास स्ट्रिंग A ओरिजिनल फॉर्म में किस टाइप से होगा, मींस कोई भी स्पेस आपको विजिबल नहीं होना चाहिए. R J K U R, दिस इज द ओरिजिनल स्ट्रिंग. आफ्टर रिमूविंग ऑल कैरेक्टर ऑफ B, मींस B के अंदर जितने भी कैरेक्टर्स, वो सारे कैरेक्टर रिमूव करने के बाद आपके पास ओरिजिनल स्ट्रिंग क्या, R J K U R. मीन्स इस टाइप जस्ट ऑपरेशन परफॉर्म कराना है प्रोग्रामेटिकली. तो प्रोग्रामेटिकली फॉर्म में जस्ट बात करें, इसके इसमें टू स्ट्रिंग अवेलेबल है A और B. रिमूव किसके कंटेंट्स करना है, कंटेंट्स ऑफ B फ्रॉम अ स्ट्रिंग A. मीन्स इस ऑपरेशन को अगर सेट थ्योरी के अकॉर्डिंग बात करें, जस्ट A माइनस B ऑपरेशन. क्लियर. ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए इसके इसमें सबसे पहले एवरी टाइम, मीन्स जस्ट आप बेसिक ऑपरेशन क्या परफॉर्म करोगे, दिस इज द स्ट्रिंग B. सबसे पहले मैं हाईलाइट क्या कर रहा हूँ, बी स्ट्रिंग, जिससे स्ट्रिंग के कैरेक्टर्स को मैच करके रिमूव कराना है. इस केस में मैच किसको कराना है, मीन्स अगर बी के अंदर कोई कैरेक्टर फाउंड हो रहा है देन सेम कैरेक्टर स्ट्रिंग ए से रिमूव करना है. नेक्स्ट वन, इस केस में कैरेक्टर पास के लाइक ए, कैरेक्टर एम एंड कैरेक्टर समथिंग डी. इस डी एक ऐसा कैरेक्टर लिया जो कि स्ट्रिंग बी के अंदर अवेलेबल नहीं, देन अगेन ऑरिजिनल स्ट्रिंग ए. रिमूव ऑपरेशन अप्लाई किसके लिए होंगे, ए के लिए या बी के लिए, स्ट्रिंग ए के लिए. आर ए जे के यू एम ए आर एंड नल. इंडेक्स वैल्यू आर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. आपको ऑलरेडी पता है जब भी कोई एलिमेंट डिलीट होता है देन डिलीट होने के रिस्पेक्ट में इसको परफॉर्म क्या होता है, शिफ्ट ऑपरेशन. फॉर एग्जांपल सबसे पहले क्या होगा, इस पर्टिकुलर केस में स्ट्रिंग बी का कौन सा कैरेक्टर रिमूव कराएंगे, ए. प्लस ए के जितने भी ऑकरेंस है वो सारे के सारे ऑकरेंस डिलीट हो जाएंगे. क्लियर, लाइक दैट. सेम एंड नेक्स्ट टाइम एम के लिए सर्च करेंगे, एम के ऑल ऑकरेंस रिमूव करेंगे फ्रॉम ओरिजिनल स्ट्रिंग. सेम एज टी लाइक दैट. तो इस केस में सबसे पहले जो आप फर्स्ट लूप चेक करोगे, फर्स्ट लूप के रिस्पेक्ट में जैसे ट्रेवर्सिंग किसके लिए हुआ, स्ट्रिंग ए के लिए या स्ट्रिंग बी के लिए, स्ट्रिंग बी के लिए. मीन्स अगर स्ट्रिंग बी के अंदर थ्री कैरेक्टर्स हैं तो मैक्सिमम डिफरेंट डिस्टिंग कैरेक्टर कितने रिमूव होने के चांसेस होंगे, थ्री कैरेक्टर्स. क्लियर. तो आप इस केस में एवरी टाइम क्या कराओगे, एरे बी को ट्रेवर्स करो, बी का एलिमेंट एवरी टाइम वेरिएबल सी एच में कॉपी कराएंगे, सी एच का वैल्यू एवरी टाइम रिमूव किससे करेंगे, फ्रॉम ए. फ्रॉम मीन से ए के लिए आप एवरी टाइम अप्लाई क्या कराओगे,
रिमूव गिवन कैरेक्टर्स, मीन्स सिंगल कैरेक्टर के रिस्पेक्ट में फर्स्ट टाइम सिलेक्ट किया हुआ बी ऑफ जीरो, बी ऑफ जीरो अपने आप में कंसिडर किया हुआ सिंगल कैरेक्टर, मीन्स फर्स्ट टाइम इस ओरिजिनल स्ट्रिंग से रिमूव क्या कराएंगे लाइक दैट। सपोज दैट अगर आपके पास सिंगल कैरेक्टर को रिमूव करने के लिए कोई फंक्शन अवेलेबल है रिमूव केयर, रिमूव किससे कराना है एरे ए से, और रिमूव किसको कराना है फर्स्ट टाइम वैल्यू ऑफ बी जीरो। नेक्स्ट टाइम सेम एरे ए से रिमूव क्या कराना है रिमूव केयर, अगेन रिमूव किससे कराना है एरे ए से, लेकिन बी का कौन सा एलिमेंट जीरो एलिमेंट और वन एलिमेंट। नेक्स्ट टाइम कौन सा एलिमेंट डिलीट कराना है जस्ट बी ऑफ वन। सिमिलरली नेक्स्ट टाइम रिमूव क्या कराना है इस केस में रिमूव केयर फ्रॉम ए। नेक्स्ट टाइम रिमूव कौन सा एलिमेंट होगा सेकेंड इंडेक्स एलिमेंट। इसे ऑपरेशन कब तक परफॉर्म कराना है जब तक बी ऑफ जीरो नल नहीं हो जाता, जैसे बी जीरो का वैल्यू सॉरी बी ऑफ आई का वैल्यू नल होता है उस केस में आपको रिमूव ऑपरेशन स्टॉप करना है, क्लियर। देन फाइनल इस केस में रिमूव ऑपरेशन या रिमूव फंक्शन बार बार कॉल ना करके इस केस में पूरे फंक्शन को लेंगे कंप्लीट स्टेटमेंट कैसे सेम ओनली चेंजेस क्या हो रहे हैं इंडेक्सेस, तो इंडेक्सेस को मैनेज करने के लिए जैसे एक लूप यूज करेंगे लाइक दैट फोर सम वेरिएबल एज के इक्वल्स टू बिगिनिंग इंडेक्स, स्टार्टिंग कहाँ से कराना है जीरो से, कब तक चलाना है जब तक के का वैल्यू और kth इंडेक्स में नल फाउंड नहीं होता, इसलिए ये चेक क्या करोगे बी ऑफ सप्लाई क्या कर रहे हैं बी, इसलिए कंडीशन किसके लिए अप्लाई करेंगे k के लिए सॉरी बी के लिए बी ऑफ k नॉट इक्वल्स टू नल, तब तक लूप एग्जीक्यूट, जैसे बी ऑफ k का वैल्यू नल होगा लूप स्टॉप हो जाएगा। देन एवरी टाइम k में डिफरेंस कितने का क्रिएट हो रहा है वन का, देन k प्लस प्लस। देन अब इस प्लेस पर एवरी टाइम फंक्शन स्टाइल से कॉल ना कराएंगे, इस फंक्शन को लूप के अंदर कॉल कराएंगे प्लस जीरो और इंडेक्स के प्लेस पर जस्ट पास क्या करोगे वैल्यू ऑफ की, क्लियर। मीन्स इस लूप के थ्रू एवरी टाइम जस्ट कॉल किया गया रिमूव केयर फंक्शन, और रिमूव केयर फंक्शन एट ए टाइम ओनली सिंगल कैरेक्टर रिमूव करेगा, मीन्स आज बी जीरो बी वन बी टू लाइक दैट, प्लस ये रिमूव किससे कराए फ्रॉम ओरिजिनल स्ट्रिंग ए, क्लियर। देन इस केस में टोटल आपको टू फंक्शंस क्रिएट करने की जरूरत होगी, मीन्स दिस इज द रिमूव फंक्शन, ठीक है। रिमूव फंक्शन इटसेल्फ कॉल किसको करेगा रिमूव केयर, और रिमूव केयर इटसेल्फ ओनली एट ए टाइम सिंगल कैरेक्टर को रिमूव कराएगा। हाउ टू रिमूविंग सिंगल कैरेक्टर इस टाइप के ऑपरेशन में आपको ऑलरेडी सॉल्व करा चुका हूं, मीन्स अगर किसी स्ट्रिंग से सिंगल कैरेक्टर को रिमूव कराना है तो ये रिमूव ऑपरेशन किस टाइप से परफॉर्म होते हैं। सपोज दैट इस केस में फर्स्ट टाइम के का वैल्यू क्या है जीरो, तो के ऑफ जीरो में क्या कैरेक्टर ए, और ए इटसेल्फ क्या कंडीशन इज ट्रू, कंडीशन ट्रू है तो जब रिमूव केयर फंक्शन कॉल होगा तो बी ऑफ के प्लेस पर के पास होगा जीरो, और बी ऑफ के बी ऑफ जीरो का वैल्यू क्या है कैरेक्टर ए, तो पास क्या रहा है इसके इसमें कैरेक्टर ए, तो फर्स्ट टाइम इसे एरे ए से रिमूव क्या कराओगे कैरेक्टर ए, प्लस इसे रिमूव कर फंक्शन में टू आर्गुमेंट पास हो रहा है, इसलिए कितने आर्गुमेंट पास हो रहे हैं इसके इसमें टू आर्गुमेंट। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इस प्रॉब्लम को मैंने टू सब मॉड्यूल्स में डिवाइड किया, इसलिए टू सेपरेट फंक्शन क्रिएट करेंगे स्मॉल स्मॉल फंक्शन। सबसे पहले मैं इसके इसमें क्रिएट किया करा रिमूव केयर, रिमूव केयर में फर्स्ट आर्गुमेंट पास हो रहा है एरे और सेकेंड आर्गुमेंट क्या सिंगल कैरेक्टर, प्लस रिटर्न टाइप यूज करोगे एरिया वॉइड वॉइड रिमूव केयर, फर्स्ट आर्गुमेंट एज केयर स्टार ए, सेकेंड आर्गुमेंट एज सिंगल कैरेक्टर वेरिएबल सी एच। नेक्स्ट टाइम किसी भी कैरेक्टर को रिमूव कराने के लिए जस्ट टू इंडेक्स वेरिएबल यूज करेंगे आई एंड जे, इसके और प्लस एक और वैल्यू ऑलरेडी क्या क्रिएट हुआ सी एच, तो फर्स्ट टाइम चेक कर सकते हो सी एच में वैल्यू क्या साइन हो जाएगा पास क्या हो रहा है ए, तो करेंटली सी एच का वैल्यू क्या हुआ इसके इसमें वैल्यू ऑफ सी एच इज ए, तो इसलिए मीन्स अगर सी एच का वैल्यू ए है तो रिमूव ऑपरेशन भी किसके लिए अप्लाई हुआ कैरेक्टर ए के लिए, प्लस इसके अंदर टू एक्स्ट्रा वैल्यूज क्या क्रिएट हो रहे हैं आई एंड जे। अगर आपको इसे एग्जाम्पल मीन्स सिंगल कैरेक्टर को रिमूव करने से रिलेटेड कोई भी आपको कंफ्यूजन क्रिएट होता है ना, आप पहले इस प्रीवियस वीडियो को वॉच कर सकते हो जिस केस मैंने डिस्कस किया था हाउ टू रिमूविंग ऑकरेंस ऑफ अ गिवन कैरेक्टर्स और ऑल ऑकरेंस ऑफ गिवन कैरेक्टर, देन आपके लिए सेम लॉजिक इजीली समझना पॉसिबल है। फिर मैं इसको कंप्लीटली एक्सप्लेन कर रहा हूँ अगेन, इन दैट केस टू वेरिएबल्स क्रिएट होंगे आई एंड जे, तो फर्स्ट केस मैंने आपको क्या बोला था मीन्स करंटली आप इस बी को छोड़ दो, बी को कॉन्सेंट्रेट मत करो, आप कॉन्सेंट्रेट करो कैरेक्टर एरेज फंक्शन का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है सी एच में जो भी कैरेक्टर वैल्यू अवेलेबल इस कैरेक्टर वैल्यू के ऑल ऑकरेंस ए से रिमूव करना, क्लियर। ए से रिमूव कराने के लिए जस्ट यूज क्या करेंगे फर्स्ट वन, सबसे पहले आप सर्च क्या करोगे फर्स्ट ऑकरेंस ऑफ डिलीटेड कैरेक्टर और रिमूव्ड कैरेक्टर, तो रिमूव्ड कैरेक्टर क्या है इस केस में ए, तो सबसे पहले आपको आई में सेट क्या करना है फर्स्ट ऑकरेंस ऑफ ए, ये किस ऑकरेंस में फाउंड हो रहा है देखा जाए तो ये टू टाइम्स अवेलेबल है इंडेक्स वन इंडेक्स सिक्स, लेकिन बिगिनिंग ऑकरेंस क्या है इसका वन, तो इसलिए आई में एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या है वन, क्योंकि
आप रिमूव ऑपरेशन किस प्लेस से स्टार्ट करोगे, जिस प्लेस पर गिवन कैरेक्टर फाउंड हो रहा है। तो सबसे पहले वो प्लेस आपको सर्च करना होगा। इस प्लेस को सर्च करने के लिए मैं अप्लाई कर रहा हूँ जस्ट फोर लूप, और ये फोर लूप मैं आई के थ्रू मैनेज करूंगा। मीन्स ए को कहाँ से सर्च करना स्टार्ट करें, फ्रॉम बिगिनिंग इंडेक्स, और बिगिनिंग इंडेक्स क्या जीरो प्लस, मैं रिमूव ऑपरेशन केवल ए के रिस्पेक्ट में बता रहा हूँ इन दैट फंक्शंस, क्लियर। देन आई इक्वल्स टू जीरो नेक्स्ट टाइम प्लस, ये लूप कब तक चलेगा, हो सकता है ए ऑरिजिनल स्ट्रिंग के अंदर फाउंड ही ना हो। सपोज डेट अगर सी एच का वैल्यू क्या पास किया, समथिंग एक्स, लेकिन एक्स ए में कहीं फाउंड हो रहा है क्या, नहीं। तो इसका मतलब ये लूप कब तक चलेगा, जब तक ए ऑफ आई का वैल्यू नल नहीं हो जाता है। इस केस में टू कंडीशंस होंगे आपको लूप कब तक चलाना, या तो आपको नल नहीं मिल जाता या फिर गिवन कैरेक्टर फाउंड नहीं होता। गिवन कैरेक्टर फाउंड करने के लिए कंडीशन क्या हो जाएगा, मीन्स लूप कब तक चलेगा, फाइल सी एच इज नॉट इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ ए ऑफ आई। जैसे ही सी एच का वैल्यू ए ऑफ आई के इक्वल हो जाएगा, यानी एक कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, कंट्रोल कराएगा आउटसाइड बॉडी ऑफ लूप। दूसरा कंडीशन क्या है, हो सकता है गिवन कैरेक्टर फाउंड ही ना हो रहा, उसके इसमें टर्मिनेट कैसे करा हुआ, यूजिंग व्हेनेवर ए ऑफ आई बिकम्स नल। जैसे ही ए ऑफ आई का वैल्यू नल हो जाएगा उसके इसमें लूप टर्मिनेट हो। मीन्स टू कंडीशंस हैं, एवरी टाइम आई में परफॉर्म किया हुआ आई प्लस प्लस टर्मिनेटेड बाई सेमी कॉलन। पहले इस लूप को इटरेट करा दें, आई का इनिशियल वैल्यू क्या है जीरो, देन सी एच, सी एच का वैल्यू क्या पास हुआ जस्ट कैरेक्टर ए, सी एच में क्या पास हुआ था ए, देन ए नॉट इक्वल्स टू ए ऑफ जीरो, देन ए ऑफ जीरो का करंट वैल्यू क्या चेक कर सकते हो आप, ए ऑफ जीरो में करंट वैल्यू क्या फाउंड हो रहा है कैरेक्टर आर, ए नॉट इक्वल्स टू आर, कंडीशन इज ट्रू। मीन्स इसका मीनिंग क्या हुआ, अभी फर्स्ट प्लेस पर कैरेक्टर ए का ऑकरेंस फाउंड नहीं हुआ, देन नेक्स्ट टाइम आप सर्च क्या करोगे नेक्स्ट प्लेस पर। दूसरा केस, इससे पहले अगर ऑकरेंस फाउंड हुआ, हो सकता है स्ट्रिंग कंप्लीटली सर्च हो चुका हो, तो कंप्लीट सर्च हुआ कि नहीं हुआ, इसके लिए सेकेंड कंडीशन क्या है एंड ए ऑफ आई, और ए ऑफ आई का वैल्यू क्या करंटली आर, आर नॉन जीरो कैरेक्टर है। मीन्स इससे मीन्स दोनों ही कंडीशन कैसे हैं ट्रू, दोनों कंडीशन ट्रू, देन कंट्रोल कहाँ सेंड होगा आई प्लस प्लस, नेक्स्ट टाइम आई की वैल्यू क्या हो जाएगी आई बिकम्स वन, आई वन हो चुका। नेक्स्ट ऑपरेशन किस इंडेक्स के लिए अप्लाई होगा, वन इंडेक्स के लिए। तो वन इंडेक्स में क्या फाउंड हो रहा है, सी एच का वैल्यू क्या ए, और ए ऑफ वन में क्या फाउंड हो रहा है ऑल्सो ए, आई के प्लेस पर क्या आएगा वन, और ए ऑफ वन का वैल्यू क्या ए। मीन्स दिस कंडीशन ट्रू और फॉल्स, कंडीशन इज फॉल्स। एंड के केस में फर्स्ट कंडीशन फॉल्स है, सेकंड सर्च ही नहीं होगा और सेकंड कंडीशन चेक करनी नीड ही नहीं होगी, देन इमीडिएटली कंट्रोल कहाँ जाएगा आउटसाइड लूप। मीन्स फाइनली इस लूप को इटरेट कराने का मेन पर्पज क्या है, कैरेक्टर सी एच का फर्स्ट ऑकरेंस सर्च करना, क्योंकि जब तक फर्स्ट ऑकरेंस ही नहीं मिलेगा आपको रिमूव ऑपरेशन अप्लाई करनी नीड ही नहीं है। जैसे सी एच मिल चुका है इसका मतलब क्या है, इस कैरेक्टर को आपको रिमूव कराना है। लेकिन रिमूव किस इंडेक्स से कराना है, वो इंडेक्स किसके पास है आई के पास, तो रिमूव ऑपरेशन किस इंडेक्स के लिए अप्लाई करो एवरी टाइम आईथ इंडेक्स। नेक्स्ट वन, अब इस केस में इस कैरेक्टर के मल्टीपल, किसी भी गिवन कैरेक्टर के हो सकते हैं, एक भी ऑकरेंस ना हो सकता, मल्टीपल ऑकरेंस हो सकता है। अगर इसका सी एच गिवन कैरेक्टर का एक भी ऑकरेंस नहीं, फॉर एग्जांपल एक्स, अगर एक्स पास करें देन एक्स पहले आर से मैच होगा, ए से मैच होगा, मीन्स कंप्लीट स्ट्रिंग से मैच हो जाएगा, किसी से भी मैचिंग फाउंड नहीं हो रहा, देन उस केस में ए ऑफ आई क्या हो जाएगा नल, ए ऑफ आई अगर नल है देन इसका मतलब एक्स फाउंड ही नहीं हुआ, गिवन कैरेक्टर फाउंड नहीं, देन आपको कोई भी ऑपरेशन हो एक्शन परफॉर्म करने की जरूरत नहीं। तो एक्शन परफॉर्म करने से पहले आप चेक करोगे इफ कंडीशंस के थ्रू, मीन्स ये स्ट्रिंग ऑलरेडी नल तो नहीं हो चुका, इफ ए ऑफ आई इज नॉट इक्वल्स टू नल, अगर ए ऑफ आई का वैल्यू नल नहीं हुआ है देन आपको एक्शंस परफॉर्म कराने की जरूरत है। और एक्शन क्या परफॉर्म करना है, जस्ट रिमूविंग गिवन कैरेक्टर्स। तो रिमूव मीन्स कैरेक्टर के केस में, अभी ये कौन सा फर्स्ट ऑकरेंस, नेक्स्ट टाइम हो सकता है आगे आपको ये फिर से रिपीट होता है सेकेंड ऑकरेंस। इस केस में जस्ट ए को जब रिमूव कराएंगे तो ए के रिस्पेक्ट में आर के प्लेस पर क्या रहेगा आर, आर के लिए भी आपको कोई ऑपरेशन परफॉर्म करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आई का इंडेक्स क्या वन, तो ऑपरेशन वन इंडेक्स से स्टार्ट हो रहा है, तो आर इससे इफेक्ट हो रहा है क्या, नहीं। नेक्स्ट टाइम जैसे ए को रिमूव कराएंगे तो ए के प्लेस पर क्या जाएगा जे, मीन से अगर ए को रिमूव कराने के बाद अगर एलिमेंट को शिफ्ट नहीं करा तो देन इस प्लेस पर क्या फ्लो हो जाएगा जस्ट स्पेस, लेकिन आपको स्पेस भी रिमूव कराना है देन इस प्लेस पर जस्ट कॉपी क्या हुआ नेक्स्ट एलिमेंट। तो इसके इसमें फर्स्ट टाइम ए का इंडेक्स क्या था वन, वन इंडेक्स में किस इंडेक्स का एलिमेंट कॉपी हुआ है टू इंडेक्स, देन सिमिलरली टू इंडेक्स में कौन सा एलिमेंट कॉपी हुआ थर्ड इंडेक्स का एलिमेंट, थर्ड इंडेक्स में क्या है के, क्लियर लाइक दैट। तो इस टाइप से ऑपरेशंस परफॉर्म कराने के लिए जस्ट यूज क्या करेंगे अगेन लॉजिक्स, पहले मैं ये लॉजिक्स राइट डाउन कर रहा हूँ देन ये ऑपरेशन शिफ्ट करा। सेम एज थर्ड इंडेक्स में कॉपी क्या हुआ फोर्थ इंडेक्स का एलिमेंट, फोर्थ इंडेक्स में कॉपी क्या हुआ फिफ्थ इंडेक्स का एलिमेंट, और फिफ्थ इंडेक्स में कॉपी क्या हुआ सिक्स्थ इंडेक्स का एलिमेंट, लेकिन सिक्स्थ इंडेक्स में अगेन क्या है ए, तो इससे एम के प्लेस पर क्या जाएगा ए,
और ए को फिर से रिमूव कराने की जरूरत है, तो इस टाइप के ऑपरेशन को हैंडल करने के लिए एक और लूप राइट कर रहा हूँ। दूसरा लूप क्या रहेगा इस केस में, इफ के अंदर फोर। नेक्स्ट वन, इस पर्टिकुलर केस में जस्ट राइट डाउन क्या कराएंगे, वन मोर वेरिएबल इज जे, और जे जस्ट मैनेज क्या करेगा, ऑकरेंस ऑफ गिवन कैरेक्टर। तो अभी सी एच का और ए का फर्स्ट ऑकरेंस फाउंड हुआ है, तो ए इट सेल्फ काउंट हुआ है या वन, तो जे का वैल्यू मैंने क्या आसान किया, जस्ट वन। इस वन को आसान करने का पर्पज क्या है, अगर सेम कैरेक्टर थ्री टाइम फाउंड हुआ देन कैरेक्टर के, जब एक कैरेक्टर को दूसरे प्लेस पर आप कॉपी कराओ तो उनके पोजिशन के डिफरेंसेज चेक करेंगे। अभी आपको डिफरेंस कितने हो रहे हैं, जस्ट वन, चेक इट। इसको मैं अगर कंटिन्यू करता हूँ, मिस फिफ्थ मिस इस प्लेस पर क्या जाएगा जे, और जे के प्लेस पर क्या शिफ्ट हो चुका है के, के के प्लेस पर शिफ्ट क्या हो चुका है यू, यू के प्लेस पर शिफ्ट क्या हो जाएगा एम, और एम के प्लेस पर क्या शिफ्ट हो रहा है कैरेक्टर ए। देन सपोज अगर आई का वैल्यू फाइव हो चुका है, आई का वैल्यू फाइव होने के समय आई के अंदर इटसेल्फ क्या है ए, तो ए को अगेन रिमूव कराने की जरूरत है कि नहीं, अगेन जरूरत है। मीन्स आई के करंट प्लेस पर कॉपी क्या हुआ ए, तो इसको ए को अगेन रिमूव कराना है। तो फिर से नेक्स्ट टाइम, मीन्स पहले फिफ्थ इंडेक्स में सिक्स इंडेक्स का एलिमेंट कॉपी हुआ, नेक्स्ट टाइम अगेन अगर ए ऑफ आई में फिर से सेम कैरेक्टर सी एच फाउंड हो रहा, अगर ए ऑफ आई का वैल्यू सी एच के इक्वल है, देन इस बार नेक्स्ट टाइम ए को कॉपी नहीं करा के सी एच, मीन्स ए ऑफ आई में कॉपी क्या करा हुए सेम, मीन्स आर। तो आर के केस में बात करें, फिफ्थ इंडेक्स में नेक्स्ट टाइम क्या कॉपी होगा, सेवन्थ इंडेक्स का एलिमेंट, प्लस इस प्लेस पर सेवन्थ इंडेक्स का एलिमेंट जब कॉपी हो जाएगा तो इस प्लेस पर क्या आएगा आर। नेक्स्ट टाइम आई प्लस प्लस होगा तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी सिक्स, और आई नेक्स्ट एलिमेंट को रिप्रेजेंट करेगा। देन इसके जस्ट बाद आई इस प्लेस पर कॉपी क्या करा, मीन्स आर ऑलरेडी कॉपी हो चुका है, आर को कॉपी करने की जरूरत है क्या नहीं, क्यों आर ऑलरेडी कॉपीड है। देन नेक्स्ट टाइम इस प्लेस पर कॉपी क्या हुआ नल, जब इस प्लेस पर नल कॉपी होगा तो चेक कर सकते हो एट्थ इंडेक्स का एलिमेंट सिक्स्थ इंडेक्स में कॉपी हुआ है। तो अभी इस केस में पोजीशन में, मीन्स फर्स्ट केस में जब फर्स्ट ऑकरेंस ए का फाउंड हुआ उस केस में पोजीशन में कितने का डिफरेंस था वन का, जब सेकेंड ऑकरेंस अगेन फाउंड हुआ ये का दिन पोजीशन में कितने का डिफरेंस हुआ टू का। तो इन पोजीशन के डिफरेंस को मैनेज करने के लिए मैनेज किसके थ्रू कराएंगे, जे के थ्रू। मीन्स फर्स्ट टाइम जे का वैल्यू क्या वन, वन डिफरेंस को शो करेगा। नेक्स्ट टाइम एवरी टाइम चेक करेंगे करेंट वैल्यू ऑफ ए ऑफ आई, अगर ए ऑफ आई का करेंट वैल्यू गिवन कैरेक्टर सी एच के इक्वल है देन इंक्रीमेंट किस में कराओगे जे में, तो जैसे जे की वैल्यू क्या हो जाएगी टू, अदरवाइज इंक्रीमेंट किस में कराएंगे आई में। मीन्स एट ए टाइम या तो आई में इंक्रीमेंट हुआ या फिर जे में। नेक्स्ट टाइम कंडीशन इफ, इस केस में जस्ट असाइनमेंट ऑपरेशन परफॉर्म करा रहा हूँ, ए ऑफ आई इक्वल्स टू ए ऑफ आई प्लस जे, क्लियर। देन आई प्लस जे के जस्ट बाद सेकेंड डिस्प्लेस पर इंक्रीमेंट कैसे हो रहे हैं, कंडीशनली, कंडीशनल इंक्रीमेंट या तो आई में इंक्रीमेंट कराना है या फिर जे में। इस पहले तो एक एलिमेंट असाइन होकर मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ इन दैट केस। तो कंटिन्यू करने के रिस्पेक्ट में अगर बात करें, मीन्स करेंटली आई का वैल्यू क्या है वन, जे में क्या असाइन हो जाएगा ऑल्सो वन, क्लियर। मीन्स बिगिनिंग से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ अगेन, इसको रीसेट कर लेते हैं फॉर अ सिंगल ऑपरेशंस आर ए जे ए जे के यू एम ए, दिस इज द ओरिजिनल स्ट्रिंग। इस करंट मीन्स में मैं स्टार्टिंग से फिर से परफॉर्म करा रहा हूँ अकॉर्डिंग टू सोर्स कोड। तो इसके जस्ट जे में कैसा होगा वन, देन ए ऑफ आई का वैल्यू क्या वन, ए ऑफ आई में कैसा हो जाएगा ए ऑफ, मीन्स फर्स्ट टाइम वन इंडेक्स में एलिमेंट किस इंडेक्स का कॉपी होना चाहिए, सेकेंड इंडेक्स का। तो इसके पर चेक करो लॉजिकली क्या है सेकेंड, क्योंकि आई का वैल्यू करंटली क्या है वन और जे का वैल्यू क्या है ऑल्सो वन। तो जे के हेल्प से इस प्लेस पर इंक्रीमेंट होने का वैल्यू क्या आएगा टू, ए ऑफ टू का वैल्यू किस इंडेक्स में साइन हो रहा है वन इंडेक्स में। तो स्पेस पर फाइनली फाउंड क्या हो जाएगा जे, मीन्स ए इज रिप्लेस्ड बाय जे, और जे जे ऑलरेडी कॉपी हो चुका है इसलिए जे का ऑकरेंस किससे रिप्लेस होगा नेक्स्ट कैरेक्टर, मीन्स सारे के सारे कैरेक्टर वन पोजिशन लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएंगे, क्लियर। नेक्स्ट टाइम इसके जस्ट बाद परफॉर्म क्या कराना है इंक्रीमेंट, तो करंटली इंक्रीमेंट के मीन्स आई थे एलिमेंट पर कॉपी हो चुका है, मीन्स इस प्लेस पर एलिमेंट कॉपी हो चुका है, कॉपी किसमें कराना सेकेंड इंडेक्स में। लेकिन सपोज दैट अगर इस प्लेस पर ए होता तो अगेन कॉपी भी क्या होता ऑल्सो ए, अगर ए कॉपी हुआ है देन फिर से ए को नेक्स्ट एलिमेंट से रिप्लेस कराने की जरूरत है। अगर ए कॉपी हुआ मीन्स ए ऑफ आई का वैल्यू चेक करोगे कि ए ऑफ आई में सेम जिस कैरेक्टर को आप डिलीट कर रहे हो वही कैरेक्टर तो कॉपी नहीं हुआ, तो उसके लिए कंडीशन क्या हो जाएगी फिर ए ऑफ आई इक्वल इक्वल सी एच, अगर ए ऑफ आई का वैल्यू सी एच है देन इस केस में इंक्रीमेंट किसमें हुआ
जैसे ए ऑफ आई का वैल्यू सी एच है, आई का इंडेक्स आपको चेंज करने की जरूरत नहीं, देन इंडेक्स किसका चेंज होगा, जे का, क्योंकि नेक्स्ट टाइम आप कॉपी क्या करोगे के, और के और जे, फर्स्ट जे के, इन दोनों के ऑगरेंस में कितने का डिफरेंस है, टू का, अगर एक कंडीशन ट्रू है देन इंक्रीमेंट इन जे मीन्स जे प्लस प्लस, अदरवाइज अगर एक कंडीशन फॉल्स है, फॉल्स होने के केस में इंक्रीमेंट किस में होगा, आई में, देन आई प्लस प्लस, देन टर्मिनेटेड बाई सेमी कॉलन, इसको टर्मिनेट कैसे किया, जस्ट ने सेमी कॉलन से, तो इस केस में चेक करो ए ऑफ आई मीन्स आई का वैल्यू क्या है वन, और ए ऑफ जीरो में क्या है कैरेक्टर जे, जे इक्वल इक्वल सी एच, सी एच का वैल्यू क्या था जस्ट अभी, सी एच का वैल्यू के पास क्या था ए, कंडीशन इज फॉल्स, फॉल्स है, आई में इंक्रीमेंट होगा तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी टू, वो आई नेक्स्ट टाइम किसको रिप्रेजेंट करेगा, सेकेंड इंडेक्स वाले एलिमेंट को, क्लियर, दिस इज द आईथ एलिमेंट, नेक्स्ट टाइम अगेन असाइनमेंट होगा ए ऑफ आई, आई का वैल्यू क्या है टू इक्वल्स टू ए ऑफ टू प्लस वन, क्योंकि जे का वैल्यू क्या है वन मीन्स थ्री, थर्ड इंडेक्स का एलिमेंट किस इंडेक्स में कॉपी होगा टू में, तो इस प्लेस पर थर्ड इंडेक्स में क्या के, के इज कॉपीड, नेक्स्ट टाइम अगेन चेक करोगे मीन्स जो कॉपीड एलिमेंट है वो कहीं सी एच के इक्वल तो नहीं है, देन असाइनमेंट होने के जस्ट बाद, प्लस ये लूप कब तक चलेगा, जब तक इस प्लेस पर नल कॉपी नहीं हो जाता, क्लियर, तो मैंने सभी केस में कंडीशन कैसा रहेगा ट्रू, नेक्स्ट टाइम ए ऑफ आई, आई का वैल्यू टू और ए ऑफ टू में क्या फॉर्म हो रहा है, ए ऑफ टू इज के, के इक्वल इक्वल वैल्यू ऑफ सी एच ए, कंडीशन इज फॉल्स, फॉल्स है, देन अगेन आई में इंक्रीमेंट होगा, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी थ्री, मीन्स वन इंडेक्स में कॉपी क्या हुआ था सेकंड इंडेक्स का एलिमेंट, टू इंडेक्स में कॉपी क्या हुआ थर्ड इंडेक्स का एलिमेंट, लेकिन थर्ड इंडेक्स में अभी कोई डेटा कॉपी हुआ है क्या नहीं, देन आई में प्लस प्लस होने के बाद आई की वैल्यू क्या हो जाएगी थ्री, नेक्स्ट टाइम ए ऑफ थ्री इक्वल्स टू ए ऑफ थ्री प्लस वन इज फोर, तो फोर्थ इंडेक्स का एलिमेंट कॉपी किसमें हुआ थर्ड इंडेक्स में, और फोर्थ इंडेक्स में ऑलरेडी आई का वैल्यू क्या अभी थ्री, इसलिए आई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है दैट प्लेस, फोर्थ इंडेक्स में क्या है यू, यू इज कॉपीड, नेक्स्ट टाइम अगेन कंडीशन टेस्ट होगा इस प्लेस पर कॉपी क्या हुआ था यू, यू इक्वल इक्वल एक कंडीशन कम फॉल्स, फॉल्स है देन अगेन आई प्लस प्लस, तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी फोर, आई नेक्स्ट टाइम फोर्थ इंडेक्स वाले एलिमेंट को रेफर करेगा, नेक्स्ट वन अगेन मीन्स थर्ड इंडेक्स में कॉपी किया चुका फोर्थ इंडेक्स का एलिमेंट, क्लियर दैट वन, नेक्स्ट टाइम इसके जस्ट बाद फिर से लूप एग्जीक्यूट हुआ तो आई के प्लेस पर क्या रिप्लेस करेंगे आई का वैल्यू, और आई का वैल्यू क्या फोर, फोर प्लस जे क्या आएगा फाइव, तो नेक्स्ट टाइम फिफ्थ इंडेक्स का एलिमेंट फोर्थ में कॉपी हुआ, फोर्थ इंडेक्स में असाइन क्या हो चुका है इंडेक्स फाइव का एलिमेंट, क्लियर, फोर्थ फिफ्थ इंडेक्स में फाउंड क्या हो रहा है एम, यू तो ऑलरेडी कॉपी कर चुका, नेक्स्ट टाइम कॉपी क्या हुआ है एम, एम कॉपी होने के जस्ट बाद अगेन इस प्लेस पर कंपेरिजन हो तो ए ऑफ आई का वैल्यू क्या है एम, कंडीशन इज फॉल्स, फॉल्स है तो आई में इंक्रीमेंट हो तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी फाइव, मीन्स यहाँ कंडीशनल ऑपरेटर के थ्रू इंक्रीमेंट करें, या तो आई में इंक्रीमेंट होना चाहिए या फिर जे में, जे काउंट क्या करेगा नंबर ऑफ ऑक्रेंसेस, नेक्स्ट वन मीन्स फोर्थ इंडेक्स में असाइनमेंट हो चुका, नेक्स्ट टाइम आई का वैल्यू क्या हो रहा है फाइव, ए ऑफ फाइव में असाइन क्या होगा ए ऑफ सिक्स का एलिमेंट, और ए ऑफ सिक्स में क्या फाउंड हो रहा है सिक्स्थ प्लेस पर, मीन्स आई का वैल्यू क्या करंटली फाइव, तो आई किसको रेफर करेगा दैट प्लेस, और इस प्लेस पर कॉपी क्या हो रहा है जस्ट ए, अगर आई के करंट प्लेस पर ए कॉपी हुआ है, सपोज दैट अगर ए को कॉपी करने के बाद अगेन आप फिर से आई में इंक्रीमेंट कराओगे, है ना, आई को किस, आई किस प्लेस पर रिप्रेजेंट, किसको रेफर करेगा नेक्स्ट एलिमेंट, और आई के लेफ्ट हैंड साइड में क्या फाउंड हो रहा है रिमूव्ड कैरेक्टर, मीन्स इसको अभी ए रिमूव हुआ है क्या नहीं, मीन्स ए का करंट ऑक्रेंस फिर से रिमूव कराने के लिए मैंने कंडीशन क्या प्रोवाइड किया है दैट वन, तो इस प्लेस पर ए ऑफ आई का वैल्यू चेक कर सकते हो, ए ऑफ आई का करंट वैल्यू क्या हो चुका है असाइनमेंट के बाद, मीन्स फिफ्थ इंडेक्स में असाइन क्या हुआ था सिक्स इंडेक्स वाला एलिमेंट, क्लियर, देन नेक्स्ट टाइम कॉपी क्या हुआ ए, ए इक्वल इक्वल ए, कंडीशन इज ट्रू, कंडीशन ट्रू था ना इंक्रीमेंट किसमें हुआ जे में, इसका मतलब क्या है सी एच का नेक्स्ट ऑक्रेंस फाउंड हो चुका है और नेक्स्ट ऑक्रेंस कॉपी हो चुका है, नेक्स्ट ऑक्रेंस को अगेन रिप्लेस कराने के लिए मैंने आई का पोजिशन चेंज नहीं किया, अगर आई में इंक्रीमेंट होता तो आई का भी पोजिशन चेंज हो जाता नेक्स्ट टाइम, अब चेक कर सकते हो फिर से अगेन फिफ्थ इंडेक्स में ऑलरेडी सिक्स इंडेक्स का एलिमेंट कॉपी हुआ है लेकिन करंटली आई का वैल्यू क्या है फाइव, तो अगेन डेटा कैसे किस इंडेक्स में कॉपी हो रहा है फिफ्थ इंडेक्स में, लेकिन इस बार फिफ्थ इंडेक्स में अगर आप फिर से नेक्स्ट इंडेक्स कॉपी कराओगे फिफ्थ में, देन नेक्स्ट इंडेक्स में एवरी टाइम ए कॉपी होता रहेगा, आपको कॉपी किस इंडेक्स का कराना है नेक्स्ट, सेवन्थ इंडेक्स का एलिमेंट कॉपी किस में हुआ फिफ्थ में, मीन नेक्स्ट टाइम मीन प्रीवियस केस में फिफ्थ इंडेक्स में सिक्स इंडेक्स का एलिमेंट कॉपी, लेकिन इस केस में फिफ्थ इंडेक्स में अगेन सेवन्थ इंडेक्स का एलिमेंट कॉपी हो, मीन प्रीवियस केस में भी आई का वैल्यू फाइव था और करंट केस में भी आई का वैल्यू क्या है फाइव इक्वल्स टू,
ठीक है, अगर मैं इस केस में डायरेक्टली जे के प्लेस पर वन राइट डाउन करता देन आई का करंट वैल्यू क्या है फाइव, देन फिर से क्या पास होता है सिक्स, तो एवरी टाइम बार बार ए ही कॉपी होता रहता है। मीन्स तो इंडेक्स को मूव कराने के लिए जे में इंक्रीमेंट करा है, जे का वैल्यू क्या हो चुका है टू, क्योंकि इस केस में डिफरेंस कितने का है टू का, तो सिक्स प्लस टू, सॉरी आई का करंट वैल्यू क्या है अभी फाइव, फाइव प्लस टू इज सेवन, तो इस केस में सेवन्थ इंडेक्स कॉपी किस में जाएगा फिफ्थ में, दैट वन। नेक्स्ट टाइम कॉपी होने के बाद सेवन्थ इंडेक्स में क्या है आर, तो इस प्लेस पर रिप्लेस क्या हो जाएगा आर, मीन्स ए के अगेन नेक्स्ट ऑकरेंस भी रिमूव हो चुका है। नेक्स्ट टाइम अगेन कंडीशन टेस्ट होगा, कॉपी क्या हुआ जस्ट आर, आर इक्वल इक्वल ए, कंडीशन इज फॉल्स, फॉल्स है देन अगेन इंक्रीमेंट किस में होगा आई में, तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी सिक्स। नेक्स्ट टाइम सिक्स इंडेक्स में कॉपी क्या कराना है एट्थ इंडेक्स का एलिमेंट, मीन्स सिक्स इंडेक्स मीन्स फाइव में तो ऑलरेडी कॉपी हो चुका है, कॉपी क्या होगा डेटा सिक्स में, और आई का वैल्यू क्या है अभी करंटली सिक्स, कॉपी क्या हुआ इस केस में आर ऑलरेडी कॉपी करा चुके, तो नेक्स्ट टाइम कॉपी क्या हुआ नल, चेक कर सकते हो करंटली ए ऑफ आई, आई का वैल्यू क्या फाउंड हो रहा है अभी सिक्स, तो ए ऑफ सिक्स में आसानी क्या हुआ सिक्स प्लस टू, क्योंकि जे का वैल्यू क्या है टू एट, एट्थ इंडेक्स आसानी किस में हुआ सिक्स में, तो एट्थ इंडेक्स जब सिक्स में कॉपी हुआ इसका वैल्यू क्या था नल, नल कॉपी हो चुका, तो लॉजिकली स्ट्रिंग का लेंथ मीन्स स्ट्रिंग इस प्लेस पर क्लोज हो जाएगा, मीन्स स्ट्रिंग का जस्ट लेंथ रिड्यूस कितने से हुआ है टू से, क्योंकि टू टाइम ए रिमूव हो चुका है, क्लियर। नेक्स्ट वन रिमूव ऑपरेशन परफॉर्म होने के बाद अभी करेंटली कॉपी क्या हुआ है ए ऑफ आई में, आई का वैल्यू क्या है सिक्स, और ए ऑफ सिक्स में कॉपी क्या हुआ नल, तो इस लूप के अंदर कंडीशन के प्लेस पर क्या रिप्लेस हुआ नल, नल के अकॉर्डिंग नल मीन्स जीरो, कंडीशन बिकम फॉल्स, फॉल्स है देन कंट्रोल का आउटसाइड इफ, देन इफ के बाद आपको कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करनी जरूरत, मीन्स जब ये लूप कंटिन्यू कंप्लीट हो जाएगा या इस फंक्शन का एग्जीक्यूशन कंप्लीट होता है, उस केस में स्ट्रिंग ए से सी एच के सारे ऑपरेंस रिमूव हो चुके होंगे, दिस इज द पर्पज ऑफ रिमूव केयर, रिमूव केयर फंक्शन होल मीन्स बी स्ट्रिंग के कंप्लीट कंटेंट्स को रिमूव करें या ओनली गिवन कैरेक्टर, ओनली गिवन कैरेक्टर, फर्स्ट टाइम अगर मैं इस केस में ए पा बी ऑफ जीरो पास करता हूँ तो रिमूव क्या हुआ ए ऑफ जीरो, नेक्स्ट टाइम अगर मैं इस प्लेस पर बी ऑफ वन पास करता हूँ बी ऑफ वन में क्या है एम, तो नेक्स्ट टाइम रिमूव क्या होंगे ऑल ऑकरेंस ऑफ एम, नेक्स्ट टाइम मैं पास करता हूँ बी ऑफ टू, बी ऑफ टू में क्या डी, देन डी के सारे ऑकरेंस रिमूव हो जाएंगे, नेक्स्ट टाइम बी ऑफ थ्री, तो बी ऑफ थ्री जब इस लूप के अंदर पास होगा तो इसका वैल्यू क्या जाए नल ई जीरो, कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, क्लियर। इसे इस फंक्शंस के थ्रू डिलीट क्या हुआ ओनली गिवन कैरेक्टर, लेकिन आपको रिमूव क्या कराना है कंटेंट्स ऑफ बी फ्रॉम अ स्ट्रिंग ए, तो इस स्ट्रिंग के ऑल कंटेंट्स को रिमूव करने के लिए मैं सेपरेट फंक्शन क्रिएट कर रहा हूँ एज अ रिमूव वॉइड रिमूव, या मैं ओरिजिनल स्ट्रिंग रिटर्न कराऊंगा, इसलिए रिटर्न टाइप यूज करेंगे कैर स्टार रिमूव रिमूव, देन टोटल इसके अंदर फंक्शन के अंदर इनपुट में स्ट्रिंग कितने पास होंगे टू, स्ट्रिंग ए और स्ट्रिंग बी, ए कैर स्टार बी, कैर स्टार बी। नेक्स्ट टाइम जस्ट आपको परफॉर्म क्या करना है एक वेरिएबल क्रिएट करोगे आई, इसे एक लूप मैनेज करेंगे दैट वन, इसे इस लूप को मैनेज कहाँ कराएंगे इन साइड रिमूव फंक्शन फोर, इस सबसे पहले बी का कौन सा इंडेक्स एलिमेंट कॉपी डिलीट होगा जीरो इंडेक्स का, तो इसलिए आई का इनिशियलाइजेशन कैसे करा रहा हूँ जीरो से, लूप कब तक चला रहा है जब तक बी ऑफ आई में नल नहीं हो जाता है, मीन्स बी ऑफ आई और बी ऑफ आई नॉट इक्वल्स टू नल, एवरी टाइम इंक्रीमेंट किसमें होगा आई प्लस प्लस, मीन्स लूप कब तक चलेगा जब तक बी ऑफ आई में नल नहीं मिल जाता, इसका मतलब आपको प्रीवियस सारे कैरेक्टर्स को रिमूव कराने के लिए इसे बार बार लूप चला हुआ, लूप के अंदर एवरी टाइम कॉल क्या कर लेंगे रिमूव केयर, रिमूव केयर फंक्शंस, और रिमूव केयर में पास क्या करोगे स्ट्रिंग ए कॉमा रिमूव्ड कैरेक्टर, और रिमूव्ड कैरेक्टर क्या हुआ बी ऑफ आई, ये सेम लॉजिक मैंने अगेन फंक्शंस के फॉर्म में कॉपी कर दिया, देन फाइनली रिटर्न क्या कराएंगे इस प्लेस से रिटर्न ओरिजिनल स्ट्रिंग ए, इस फाइनली मैंने इस प्रोसेस को टू फंक्शंस में कंप्लीट किया है रिमूव एंड रिमूव केयर, रिमूव केयर फंक्शन एवरी टाइम कितने कैरेक्टर्स को रिमूव करेगा ओनली गिवन कैरेक्टर्स, लेकिन स्ट्रिंग बी के सारे कैरेक्टर्स वन बाई वन इसे लूप के हेल्प से पास किस में हो रहा है रिमूव केयर में, मीन्स वन बाई वन स्ट्रिंग बी के सारे कैरेक्टर पास होंगे, तो इसका मतलब रिमूव भी क्या होंगे ऑल कैरेक्टर्स ऑफ बी फ्रॉम एरे ए। नेक्स्ट टाइम इसको टेस्ट करने के लिए जस्ट यूज क्या करेंगे मेन फंक्शन वॉइड मेन, मेन के अंदर आपको कितने स्ट्रिंग डिक्लेयर करनी नीड है टू ए और बी कैर
A with maximum size as 100, same as B maximum size as 100. Then data को read करने के लिए just call क्या करोगे? Gets function, gets A, gets B. Then finally call क्या कर लेंगे? Remove को इस place पर call क्या हो? Remove function और remove char. आपको remove क्या कराना है? Single character और completely string B के contents, string B के contents. तो उसके लिए function कौन सा है? Remove. इस place पर call किया हो? Remove. Then display कराया contents of A. B के अंदर बात करें तो B में कोई भी चेंजेस नहीं किया, वो डिलीट ऑपरेशन A के लिए अप्लाई हुआ ना कि B के लिए. तो सबसे पहले कॉल क्या हुआ इसके, इसमें रिमूव फंक्शन. रिमूव फंक्शन के इसमें इसे एरे लूप के थ्रू एरे B के सारे एलिमेंट वन बाई वन ट्रेस होंगे. फर्स्ट टाइम I का वैल्यू क्या होगा? जीरो. तो स्पेस पर पास क्या हुआ? बी जीरो. नेक्स्ट टाइम I का वैल्यू वन हो जाएगा, पास क्या हुआ? बी वन. जब बी जीरो पास होगा तो रिमूव केयर फंक्शन डिलीट क्या करेगा? बी जीरो. नेक्स्ट टाइम बी वन पास हुआ तो डिलीट क्या करेगा? वैल्यू ऑफ बी वन. लाइक दैट. इस टाइप से सारे के सारे कैरेक्टर सिंग हो जाएंगे. इसे इस पर्टिकुलर इन दोनों ही फंक्शंस के कॉम्बिनेशन के हेल्प से आपके लिए स्ट्रिंग बी के सारे कैरेक्टर स्ट्रिंग ए से रिमूव कराना पॉसिबल होगा. प्लस मैंने इस प्रोसेस को मैं चाहता था तो सेम लॉजिक में सिंगल फंक्शन के अंदर भी राइट डाउन कर सकता था. मीन्स जो लॉजिक इस प्लेस पर राइट डाउन किए, सेम लॉजिक आप कॉपी राइट डाउन कहाँ कर सकते हो? इनसाइड बॉडी ऑफ लूप. देन सेम लॉजिक सिंगल फंक्शन में भी मैनेज हो रहा है. आप पर डिपेंड कर, आप सेपरेट फंक्शंस के थ्रू क्रिएट करना चाहते हो और यूजिंग सिंगल फंक्शंस.